ये व्हाट्सअप गाइज, वी आर बैक टू अनदर वीडियो। गाइज ये मेरे पास में पोको M3 डिवाइस, एंड अगर आपके पास भी पोको M3 या फिर कोई भी पोको का या रेडमी का या मी सीरीज का डिवाइस है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, बिकॉज इन दिस वीडियो मैं अपने डिवाइस को लुक देने वाला हूँ iPhone 14 Pro का। मैंने अपने डिवाइस को कन्वर्ट कर लिया एकदम iPhone 14 Pro में। आप भी करना चाहते हो कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने कैसे किया, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो गाइज चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं कैसे आप अपने डिवाइस को कन्वर्ट कर सकते हो iOS 16 या iPhone 14 Pro में। तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ एप्लीकेशंस और कुछ थीम्स का यूज करने वाला हूं अपने डिवाइस को iOS 16 में कन्वर्ट करने के लिए। तो कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कौन से थीम है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक थीम का यूज करने वाला हूं जिसका नेम हो जाता है iOS 16 Pro। तो ये वाला जो थीम है इसको आप देख लो, अच्छे से नाम देख लो, और इसको आपको जो अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसकी जो लॉक स्क्रीन है उसको आपको सेट नहीं करना है, और उसके बाद जो सारे ऑप्शंस है उनको आप टिक करके और अप्लाई कर देना। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है बैक, और बैक जाने के बाद आपको एक और थीम अपने डिवाइस में डाउनलोड करना है जिसका नेम है स्मार्ट पिल, और इसकी जो है आपको लॉक स्क्रीन अप्लाई कर लेनी है। ये तीनों ऑप्शन छोड़ देना है ना। तो हम इसकी लॉक स्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं। लॉक स्क्रीन अप्लाई करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाना है और कस्टमाइज थीम में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको लॉक स्टाइल का। सिंपली यहाँ पे जाके और कस्टमाइज में जाना, और यहाँ पर आप नीचे जाओगे गाइस तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे स्मार्ट चार्जिंग, स्मार्ट म्यूजिक और स्मार्ट न्यूज। ये सारे ऑप्शंस आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद आप नीचे आना तो यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन स्मार्ट लॉक स्क्रीन अलाइनमेंट। तो यहाँ पे गाइस देखो, अगर आपके डिवाइस में यहाँ पे मिडिल में नॉच है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन रहने देना, अगर आपके डिवाइस में यहाँ पे पंच होल है लेफ्ट साइड में तो जो सेकंड ऑप्शन है इसको सेट कर देना है ना। तो फर्स्ट हम रहने देते हैं, बिकॉज हमारे डिवाइस में पहली बात तो पंच होल डिस्प्ले नहीं है, दूसरी बात यहाँ पे मिडिल में ही हमारी वाटर ड्रॉप नॉच है ना, तो मिडिल में रखते हैं। इसके बाद गाइस आपको थीम्स में कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपको बैक आना है, और यहाँ पर आप होम स्क्रीन देखोगे तो यहाँ पर होम स्क्रीन में आपको कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक हो चुका है आपकी होम स्क्रीन का, और यहाँ पे एक बकवास सा विजेट दे दिया गया है जिसको हम रिमूव कर देते हैं। विजेट के बारे में मैं आपको बता दूंगा है ना। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे तो आइकन पैक जो आपका iOS जैसा हो चुका ऑलरेडी, और यहाँ पे नीचे आपको एप्लीकेशंस दिख रही है ना आपकी, ग्राउंड में जो एक लेयर दिख रही होगी आपको। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेयर है ये अभी अच्छे से एडजस्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो हम इसको जो अच्छे से यहाँ पे रख देते हैं, और इसके बाद जो ये आइकन दिख रहा है कट का, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये यहाँ से गायब हो जाएंगे है ना। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है, आपने जाना है सेटिंग्स में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो आपकी सेटिंग्स है कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हैं, iOS जैसी हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको लॉक स्क्रीन दिखा दूं, तो एक बार आप लॉक स्क्रीन देखो तो गाइज यहाँ पर आपको जो है लॉक स्क्रीन भी iPhone 14 Pro जैसी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी यही सब कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, अभी आपका जो कंट्रोल सेंटर वो आपका चेंज नहीं हुआ है, और आपको यहाँ पे जो है देख सकते हो कोई भी विजेट देखने को नहीं मिलता। तो अभी हम पहले बात करते हैं विजेट्स की है ना। तो विजेट्स के लिए आपको एक एप्लीकेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल करनी है जिसका नेम iOS विजेट। कहाँ से कर सकते हो आपको आगे बता दूंगा। तो मैं आपको बता दूं इसको आपको इंस्टॉल करके अब आपने क्या करना, आपने जाना है अपने विजेट्स में। जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू सेक्शन मिल जाएगा iOS विजेट का, तो यहाँ पर काफ़ी सारे iOS के विजेट्स मिल जाएंगे, तो वो आप जो है यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं आपको जो है सेट करके दिखा देता हूँ कुछ विजेट्स। तो यहाँ पे जो है देखो ये वाला विजेट हमने जो है यहाँ पे लगाया, ऐड विजेट पर क्लिक किया, और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का विजेट देखने को मिलेगा। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो विजेट्स हैं वो भी सेट कर लिया है। अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारा वॉलपेपर दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बकवास लग रहा है, तो इस वॉलपेपर को मैं आपको बता दूं इसको आपको कैसे चेंज करना है। मैं आपको बता दूं काफ़ी सारे वॉलपेपर्स मैंने iPhone 14 Pro या और iOS 16 के डाउनलोड कर रखे हैं, तो इनमें से मैं एक वॉलपेपर अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये वाला वॉलपेपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं अपनी लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन बोथ पे। तो यहाँ पे जो है अप्लाई हो गया है, तो जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अभी मैं आपको बता दूँ आपकी जो कंट्रोल सेंटर है इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके लिए एक और एप्लीकेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल करनी है जिसका नेम हो जाता है आई कंट्रोल सेंटर। तो ये जो iOS 16 का जो कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाता है, तो इसको आपको सिंपली अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और मैं आपको बता दूं ये कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आप इसकी परमिशंस अलाउ कर देना सारी, बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं है ना। तो आपने कर देना, और मैं एक एक करके परमिशन बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सारी परमिशन आपने अलाउ कर देनी है इसकी, सारी के सारी में जो परमिशंस है वो हो चुकी हैं अलाउ। अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको 3 कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाते हैं, एक तो आपका MIUI 10 वाला, एक आपको मिलता है
हमारा जो MIUI का कंट्रोल सेंटर है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है iOS का कंट्रोल सेंटर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जो भी आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। मैं आपको बता दूं आपको एक ऑप्शन में जाना है, कलर्स में जाना है, और यहाँ पे आपको जाने के बाद आपको क्या करना है, जो करंट वॉलपेपर दिखा है ना ये वाला आप सेट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीन ब्लर बिहाइंड वाला कर सकते हो। इससे होगा क्या, जो आपके डिवाइस में अभी करंट होम स्क्रीन पे वॉलपेपर अप्लाई है वही वाला आपको देखने को मिल जाएगा आपको अपने कंट्रोल सेंटर में, है ना, ब्लर के साथ में। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एक सेकंड, सॉरी, मैंने कंट्रोल सेंटर जो है अभी हमारा iOS वाला नहीं लगाया, तो iOS वाला जो हम लगा देते हैं, तो ये वाला हो गया अभी हमारा सेट। अभी आप लोग देखो तो देख सकते हो iOS वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, और नोटिफिकेशन बाद देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना। तो हमारा जो होम स्क्रीन पर वॉलपेपर सेट है वही वाला हमें कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल रहा है। अभी ये कुछ परमिशन मांग रहा है, इसको भी अलाउ मार देते हैं। तो अभी आप लोग देखो सब कुछ जो हमारा सेट हो चुका है, अभी आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारा कंट्रोल सेंटर भी जो है वर्क कर रहा है ना। गाइज अभी आप लोग देखोगे तो हमारे डिवाइस का कम्प्लीटली लुक जो है iOS 16 या iPhone 14 Pro जैसा हो चुका है। देख सकते हो होम स्क्रीन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, वॉलपेपर भी हमने चेंज कर लिया है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो भी हमने iOS 16 जैसा कर लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ना। विजेट्स भी हमने इनेबल कर लिए iOS 16 के, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है ना, इसमें आप लोग देखोगे तो कुछ इस तरह की आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें कि यहाँ पर आपको डायनेमिक आइलैंड का फीचर मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड का जो फीचर है ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, यहाँ पर आपको पॉपअप मिल गया डायनेमिक आइलैंड का। अब जैसे यहाँ पर आप डबल टैप करते हो ना कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आपका जो पॉपअप है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, डायनेमिक आइलैंड में मिल जाता है। बट ये फीचर तभी वर्क करेगा जब आपने जो मैं आपको पहले एक थीम बताया था स्मार्ट पेल नाम से थीम्स में, तो इसकी आप जो लॉक स्क्रीन है वो अप्लाई कर लोगे, और इसमें कोई भी अपनी तरफ से थर्ड पार्टी वॉलपेपर अप्लाई नहीं करोगे लॉक स्क्रीन, तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये थी आज की वीडियो, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये सारे के सारे थीम और कैसे एप्लीकेशन आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखो थीम्स तो आपको आपके ऑफिशियल थीम स्टोर पर मिल जाएंगे, है ना, जो नाम मैंने आपको बताया वो सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। और अभी रही बात एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम पर जाके आपने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो चैनल है डार्क नॉक इसको सर्च करना, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएंगी, और यहाँ से आप जो एप्लीकेशन है उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद तो मैंने आपको फुल प्रोसेस बता ही दिया कि क्या क्या आपको करना है, उसके बाद आप अपने डिवाइस का लुक जो है चेंज कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे अपने डिवाइस को iPhone 14 Pro में।